हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। कैसे हो आप लोग? टुडे वी गोना टॉक अबाउट फाइव टिप्स टू रिमेंबर इफ यू आर बुकिंग अ विला फॉर कपल्स। अगर आप अभी क्या हो गया है आफ्टर कोविड ना, बहुत टाइम लोग ना, आई हैव रियलाइज कि बहुत सारे लोग ना होटल्स जाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन दे प्रेफर टू गो टू विलाज। द थ्री पॉइंट्स विच आई हैव नोटिस कि कपल्स ऐसा क्यों करते हैं। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ तो है इट इज़ वेरी 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 इकोनॉमिकल। दूसरी बात इज़ प्राइवेसी। तीसरी बात इज़ अ स्विमिंग पूल टू देमसेल्फ। एंड चौथा एक बोनस पॉइंट है कि ऐसा मुझे लगता है बहुत टाइम ना लोग जब यू नो होटल्स में जाते हैं तो थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, लेकिन विलाज में जब भी वो आते हैं दे आर वेरी फ्री, कोई जजमेंट्स नहीं है। देर इज़ ओनली द ओनर एंड यू पीपल, एंड उनको वो चाबी दे देते हैं एंड देन द विला इज़ देयर। तो बहुत सारे लोग ना विला की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सो बिफोर वी बिगिन, दिस आर द फाइव पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर अगर आप एक कपल हो और अगर आप विला बुक कर रहे हो। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वी कैन इम्प्रूव और हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी। अभी आपको ये नोटिस करना है कि विला के अंदर प्राइवेसी कितनी है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि विला है, लेकिन कभी कभी वो बोलते नहीं है कि वो विला प्राइवेट है या कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है? इफ़ देर इज़ अ बिग विला जैसे 6 BHK, 8 BHK, वो कपल्स को ना एक रूम दे देते हैं एंड बाकी के रूम्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, आपको आपका प्राइवेट पूल नहीं मिलता है। एंड दूसरी बात, कपल्स आर लाइक हस्बैंड वाइफ या यू नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो लोग भी आते हैं वहाँ पे, दिक्कत उसमें ये हो जाती है कि बिकॉज दे आर टू पीपल एंड वही विला में 5, 6, 7, 8, 10 लोग हो जाते हैं, सो समटाइम्स पीपल टेंड टू हैव यू नो आर्ग्यूमेंट्स ओवर देयर। सो ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू टेक अ विला विच इज़ एक्सट्रीमली प्राइवेट, आई वुड से। एंड बिफोर यू रीच, ये चीज़ पूछ लीजिएगा विला ओनर से कि क्या वो प्राइवेट है या देर माइट बी सम अदर पीपल स्टेइंग विद देम। सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर लोकेशन कितनी अच्छी है। आपको आपके ओनर से ये बात करनी है कि लोकेशन में क्या उनको कोई दिक्कत होती है, क्या लोकल्स का प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन आसपास में है या नहीं, अपना हॉस्पिटल आसपास में है या नहीं, हाउ फार इज़ द मार्केट, अगर कुछ रात को नेसेसरी चीज़ें लगेगी तो इज़ इट पॉसिबल टू गेट इट थ्रू अ रनर। अगर विला पे कोई केयर टेकर है, कैन ही और शी ब्रिंग स्टफ फ्रॉम द मार्केट। ये दो तीन चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू आस्क द विला ओनर कि आपके टेरेस से या बैल्कनी से व्यू क्या है, बिकॉज बहुत टाइम कपल्स का एक यू नो एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी होती है, इंक्वायरी होती है कि दे वॉन्ट अ नाइस वाटरफॉल, दे वॉन्ट अ नाइस माउंटेन व्यू, सो दैट सुबह उठने के बाद वो दोनों जन मस्त कॉफ़ी पी के ना वो नज़ारे को देखे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एमिनिटीज़ क्या है, क्या उनके पास हॉट टब है, क्या उनके पास जकूजी है, क्या उनके पास एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया है, एंड अगर ये चीज़ें हैं तो क्या उनके एक्स्ट्रा चार्जेस है। जैसे जकूजी में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, तो बिफोर यू इवन विजिट द विला, बिफोर आप किसी को एडवांस देते हो, ये सारी चीज़ें ना उनके उनसे ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ना मंगा लीजिएगा। अगर इफ़ द विला ओनर आर प्रोवाइडिंग एनी मसाजेस, जैसे मसूज होते हैं जो कपल एक्सपीरियंसेस देते हैं, सो डू आस्क देम। कोई कोई लोग करते हैं, कोई कोई लोग नहीं करते हैं। फोर्थ थिंग, डू आस्क द विला ओनर कि क्या अगर आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे प्रपोजल है या मैरिज है या सम अरेंजमेंट, क्या वो कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेशल ओकेजन है, इफ़ द गर्ल इज़ अरेंजिंग समथिंग फॉर अ गाय और द गाय इज़ अरेंजिंग समथिंग फॉर अ गर्ल, क्या बिफोर यू विजिट कैन द विला ओनर अरेंज सम फ्लावर्स, स्मॉल एंट्री लाइक अ स्मॉल फ्लावर एंट्री, या फिर शैम्पेन या यू नो चॉकलेट्स ऑन अराइवल। सो अगर कोई स्पेशल ओकेजन है, प्लीज़ कंसल्ट द विला ओनर कि क्या वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द विला ओनर, क्या वहाँ पे आसपास में ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे कपल्स एक साथ आके दे कैन इन्जॉय दैट यू नो दैट प्लेस, जैसे हाइकिंग है या वाइन टेस्टिंग है या ऐसे सनसेट के कोई पॉइंट्स है जहाँ पे सनसेट होने के टाइम दे कैन क्लिक नाइस पिक्चर्स। इवन आस्क द विला ओनर कि अगर दो कपल्स ही आ रहे हैं तो वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं या नहीं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन मेरे हिसाब से हिल स्टेशन पे काफ़ी क्रूशल पॉइंट यू नो प्ले करता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि विला ओनर का ही जो ट्रांसपोर्टेशन हो, आई ऑलवेज सजेस्ट कि वही लेने को, बिकॉज जो लोकल्स होते हैं वो कभी कभी आपको घुमा भी सकते हैं।
सो वो चीज़ें हैं. दिस आर जस्ट सम पॉइंटर्स यू नीड टू आस्क बिफोर यू बुक द विला. अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. पीस. बाय.